देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट सुनहरी यादों में। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने निर्देशक को कहा, तुम्हारे पास से बिजनोरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ एक मिनट और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ आया या नहीं, एक और डायलॉग हम उनका बताते हैं आपको। जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और वह वक्त था एक ऐसे अभिनेता का जिनके पास न चेहरा था न पर्सनालिटी, लेकिन था सिर्फ आवाज का रूप और ऐसे शब्द जैसे कि सन की, अक्खर, बेबाक और मुफर जैसे शब्द सिर्फ उन्हीं अभिनेता के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे एक्टर कौन थे, तो हम आपको बताते हैं, वे कोई और नहीं बल्कि राजकुमार थे। राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था। और हाँ, राजकुमार एक्टर नहीं बल्कि थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। जब राजकुमार सब इंस्पेक्टर थे, उसी दौरान एक रात एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हीरो की तरह दिखते हैं, अगर आप हीरो बन जाए तो आप लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। फिर क्या था, राजकुमार को यह बात इतनी जमी कि उन्होंने पुलिस के पद से इस्तीफा दे दिया और फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बहुत कम होता है जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी दुनिया में कदम रखता है। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली से उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई, यह पता ही नहीं चला। इसी बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर ऊंधे मुंह गिर पड़ी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए सही नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में फिल्म मदर इंडिया से राजकुमार को सफलता मिली और फिर उनकी लगातार फिल्में आती रही और सिनेमा घरों पर धमाल करती रही। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की एक फिल्म आई, सब्र कीजिए, बताते हैं। हम आंखों से सूरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं, याद आया फिल्म तिरंगा, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस पर राजकुमार छा गए। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। कहा जाता है कि राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें अगर किसी फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वे कैमरे के सामने ही डायलॉग अपने हिसाब से बदल लेते थे, और किसी की मजाल कि निर्देशक उनसे कुछ बोल पाए। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। राजकुमार के कुछ ऐसे किस्से जो सुनने लायक है, वो है जब जीनत से मिले राजकुमार। राजकुमार ने कहा, जानी शक्ल सूरत से तो माशाल्लाह लगती हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। एक और किस्सा, जब राजकुमार बप्पी लहरी से पहली बार मिले, उन्होंने कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। एक और बात जो राजकुमार की मजेदार है, 1968 में फिल्म आंखें आई थी, डायरेक्टर थे रामानंद सागर और हीरो थे धर्मेंद्र, लेकिन किस्सा राजकुमार से जुड़ा है। डायरेक्टर राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे, डायरेक्टर उनके घर पहुंचे और फिल्म की कहानी सुनाई। राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाई और उससे पूछने लगे कि क्या वो फिल्म में काम करेगा। कुत्ते के कुछ न कहने पर राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, देखा ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे थे राजकुमार, जिसकी आवाज का रौब भी काफी था पूरे सिनेमा जगत और दर्शकों के लिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो ऐसे
ऐसे स्पेशल सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने हर रोज हाजिर होती रहूंगी। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया, साथ ही साथ टैलेंटेड इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन भी दबाएं ताकि टैलेंटेड इंडिया की अपडेट्स आपको हर रोज मिलती रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।